दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश। अभी भारतीय जनता पार्टी के दो महाप्रवक्ताओं के कर्तव्य के कारण, उनके घिनौने आचरण के कारण भारत जैसे संजीदा छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखने वाले एक मुल्क, अपने प्यारे मुल्क की कितनी बेइज्जती हुई है, छवि कितनी प्रभावित हुई है। और इन दो की वजह से, सत्ताधारी दल के इन दो नेताओं के अनर्गल प्रलाप के चलते पूरे देश की जनता को किस तरह शर्मिंदगी का शिकार होना पड़ा है, अनपैरेलल है। ऐसी घटना पहले कभी देखी नहीं गई। मैं समझता हूं कि आजादी के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ और शायद ही किसी मुल्क के साथ ऐसा हुआ हो कि सारे देश एक साथ बोल उठे, अरब कंट्रीज, अरब मुल्क, अरब जो दुनिया है उसके जो मुल्क हैं, अनेक मुद्दों पर बिल्कुल एक नहीं हो पाते। जो उनके अपने जरूरी मुद्दे होते हैं उनमें बहुत सारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है, लेकिन इस पर ज्यादा से ज्यादा मुल्क बिल्कुल खड़े हो गए और भारत को झुकना पड़ा। भारत का मतलब भारत की सरकार को। सच पूछिए तो भारत की सरकार यानी सत्ताधारी दल को झुकना चाहिए था जो सरकार में बैठे हैं, लेकिन यहां तो भारत के एम्बेसडर्स को झुकना पड़ा, उन्हें अपनी सफाई देनी पड़ी, उनको तलब किया गया। भारतीय जनता पार्टी के अनर्गल प्रलाप करने वाले दो प्रवक्ताओं के चलते विदेश मंत्रालय से संबद्ध अफसरों को, हमारे राजदूतों को जो हमारे प्रतीक हैं परदेश में, वो हमें नुमाइंदगी हमारी करते हैं, उनको अपने बचाव में बोलना पड़ा। ये हाल कर दिया भारतीय जनता पार्टी के इन प्रवक्ताओं ने। और दोस्तों उसकी वजह थी, अगर अगल बगल का कोई मुल्क होता, कोई प्रोटेस्ट होता तो भरगे जैसा ना होता, लेकिन हमारी जो गैस है, हमारी जो एनर्जी है, हमारा जो तेल है, जो भी सप्लाई हम लेते हैं, उसका बहुत बड़ा ह्यूज हिस्सा अरब कंट्रीज से आता है। और हमारा माल, हमारे देश के जो बड़े पूंजीपति हैं, जो संजोगवश भारतीय जनता पार्टी को जो चंदा भी देते हैं, और आजकल तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला है, सबसे अधिक बॉन्ड जो है बीजेपी के खाते में जाते हैं, यह ऑफिशियल रिकॉर्ड में बता रहा हूं। तो ये जो बड़े पूंजीपति देश के हैं, इनका जो उत्पादित माल है उसका जो बाजार इन मुल्कों में है वह भी प्रभावित हुआ, यानी कारोबार प्रभावित हुआ, व्यापार प्रभावित हुआ, और साथ में हमारी एनर्जी की जो नीड है, तेल, गैस सबकी, उसका व्यापार भी, इसलिए छुपना तो था ही। हो सकता है कि सरकार में बैठे हुए लोग झुकना न चाहते रहे हों, क्योंकि पार्टी के प्रवक्ताओं ने जो कुछ कहा, वो सरकार में बैठे हुए लोग अनेक ऐसे हैं जो ऐसे अनर्गल प्रलाप करने के लिए कुख्यात हैं। दोस्तों बहुत वर्षों से मैं इस पार्टी के प्रवक्ताओं को देख रहा हूं, उनकी विचारधारा वही रही है जो आज के प्रवक्ताओं की है। ORSS की विचारधारा से जुड़े रहे हैं सभी के सभी, लेकिन फिर भी टेलीविजन पर आकर उनकी कोशिश होती रही है। 2014 से पहले हमने देखा है कि वो ज्यादा अनर्गल प्रलाप न करें, नफरत और विभेद पैदा करने वाली बातें कम करें, लेकिन अब तो ऐसा है, ऐसा लगता है कि 2014-15 के बाद ऐसा सिलसिला चला है कि प्रवक्ताओं को मानो ये पार्टी प्रशिक्षण दे रही हो कि वो कितनी नफरत भरी बातें करें, कितना अनर्गल प्रलाप करें, कितनी फेक न्यूज को आधार बनाकर बयानबाजी करें। हमें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ यही ट्रेनिंग दी जाती है।
दोस्तों मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। बहुत पहले की बात है, कुछ साल पहले की, ये संभवतः 2018-19 की बात रही होगी। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता मिले, जो पहले पार्टी प्रवक्ता के तौर पे अक्सर टेलीविजन चैनलों पर आया करते थे और शराफत के साथ बोलते थे। गुरु गोलवलकर के परम शिष्य थे, विचारधारा से वही थे, हिंदू राष्ट्र की बातें वो भी किया करते थे, लेकिन अपने तरीके से बोलते थे। बाद में मैंने देखा कि वो टेलीविजन पर आना उनका बंद हो गया लगभग। तो मैंने एक दिन पूछा उनसे, वो पार्लियामेंट के आसपास कहीं मिल गए, मैंने पूछा, महाराज आप आजकल टेलीविजन पर आते दिखाई नहीं देते। तो उन्होंने कहा कि अब हम लोगों का जमाना नहीं है। मैंने कहा क्यों, आपकी पार्टी सत्ता में है, आप बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं, आप इतने पढ़े लिखे हैं, ऐसा क्या है? कहा नहीं, अब हम लोगों की जरूरत नहीं रह गई है। मुझे लगा कि जरूर नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल जैसे लोगों की जगह मजबूत हो गई है, और इसलिए जो थोड़ा बहुत संजीदगी के साथ पेश आने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे वो धीरे धीरे हाशिए पर चले गए। और इसके साथ टेलीविजन भी बदला। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2014 से पहले टेलीविजन में सब कुछ अच्छा था, लेकिन इतना अनर्गल भी नहीं था। भारतीय टेलीविजन टीवी पूरम बन गया और सिर्फ फेक न्यूज और झूठ नफरत, इसी का कारोबार टेलीविजन के पर्दे पर एक सिलसिला बन गया। दुनिया के टीवी बाजार में भारत के टेलीविजन की इतनी ज्यादा निंदा, इतनी ज्यादा निंदा कि उसको हास्यास्पद बना दिया गया। अभी आपने देखा यूक्रेन के युद्ध में, रशिया यूक्रेन वॉर, इसमें जिस तरह से रिपोर्टिंग करते हुए हिंदी के कुछ पत्रकारों को पाया गया, हास्यास्पद, पूरी दुनिया में उसको लेकर के मजा लोगों ने लिया, मजाक उड़ाया। तो टेलीविजन बदला है क्योंकि सियासत बदली है, क्योंकि सत्ता की संस्कृति बदल गई है। शायद भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का जो पहला राज था उसमें बहुमत नहीं था आरएसएस को, आरएसएस की विचारधारा वाले लोगों को बहुमत नहीं था, संपूर्ण बहुमत नहीं था, इसलिए वो मजबूरियों में चलते थे। उन्हें अपने आप को पूरी तरह खुलकर दिखाने की स्वच्छंदता नहीं होती थी, लेकिन जब से ये स्वच्छंदता मिली पूरे बहुमत के साथ, तब से इन्होंने समूची सोच, समूचे संस्कृति, समूचे आचार विचार और सभ्यता को बदल डाला, जिसका नतीजा आज भारत की ये शर्मिंदगी है कि हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा इनकी वजह से। लेकिन दोस्तों इसका उपाय क्या है? अरब कंट्रीज अगर देखा जाए हमारे लिए कितने महत्व, आपको एक छोटी सी बात बता दें कि पूरी दुनिया में 1.40 करोड़ के आसपास भारतीय पूरी दुनिया में नौकरी करते हैं या अलग अलग काम करते हैं और वो रहते हैं, 1.40 के आसपास, ये एक आंकड़ा है। इसमें 89 लाख लोग सिर्फ अरब देशों में बताए गए हैं, 89 लाख, सर्वाधिक यूएई में है 34.5 लाख के आसपास, सऊदी अरब में 26 लाख के लोग हैं, कुवैत में 10,50,000 लोग हैं, कतर में 8 लाख लोग हैं, बहरीन में 3.5 लाख लोग हैं। ये आंकड़ा भारतीयों का है जो अरब मुल्कों में काम करते हैं। बाहर का इंडोनेशिया जो हमारे एशिया का ही हिस्सा है, वहां भी 7,500 लोग काम करते हैं, और इंडोनेशिया में दुनिया के सबसे अधिक मुसलमान रहते हैं। इंडोनेशिया भी अरब मुल्कों की तरह इस बार उसने भी निंदा की, न केवल निंदा की बल्कि उसने बकायदे एम्बेसडर को बुलाकर और अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया। तो एक विश्वव्यापी जो एक प्रतिक्रिया हुई है, भारतीय जनता पार्टी के दो स्वनाम धन्य प्रवक्ताओं के चलते, जो नफरत और झूठ इसी को अपनी वैचारिकता का स्तंभ मानते हैं, ये
इसलिए है दोस्तों क्योंकि जैसा हमने पहले कहा कि समूची सियासत को और समूची टीवी संस्कृति को बदल दिया गया है। टीवी संस्कृति, टीवी का आचार विचार, अब जिस टेलीविजन चैनल पर नूपुर शर्मा जी ने अपना वो अनर्गल प्रलाप किया, उस टेलीविजन चैनल की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। वह देश के बहुत बड़े मीडिया हाउस से संचालित चैनल है, लेकिन अपना काम जो उसका है, जो उसका आचरण है, जो उसका पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन है, वो शर्मनाक है। और उस दिन भी, जिस दिन नूपुर शर्मा ये अनर्गल प्रलाप कर रही थी, उस दिन भी उनकी जो एंकर थी उसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। ऐसा लगा जैसे कि इंडोर्समेंट है नूपुर शर्मा की बातों के लिए, और वो कुख्यात नहीं है इस तरह के कामों के लिए वो एंकर, और वो भारत सरकार के अनेक मंत्रियों के साथ देखी जाती हैं मंचों पर, सरकार की बहुत प्रिय हैं। सरकार ऐसे ही एंकरों को महान पत्रकार मानती है। भारत की एक हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री को इंटरनेशनल बुकर अवार्ड जब मिलता है तो भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के गृह मंत्री को, भारत के सूचना प्रसारण मंत्री, किसी को यह मौका नहीं मिलता कि उनको बधाई दे दी जाए, किसी को मौका नहीं मिलता। लेकिन इन एंकरों को बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं, क्यों? क्योंकि सरकार का ये ढोलक बजाते हैं, मृदंग बजाते हैं, क्योंकि ये झूठ और नफरत की खेती लहलाते हैं। तो अभी जो भारत के साथ हुआ है, भारत की आवाम के साथ जो हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के चलते आखिर भारत की जनता को यह शर्मिंदगी क्यों उठानी पड़े? भारत की इलेक्टेड गवर्नमेंट में जो बैठे लोग हैं उन्होंने जरूर गड़बड़ किया, लेकिन जो भारत की सरकार जिसे कहते हैं भारतीय राजसत्ता जो कहते हैं, वो क्यों झुके? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए, अगर माफी मांगनी है। राजदूतों को क्यों कहा जा रहा है कि आप ये कीजिए, वो कीजिए, यहां बात कीजिए, वहां बात कीजिए? आप गलती करें और विदेश मंत्रालय आपके लिए रिरियाए, आपके लिए छवि मर्दन करे अपना। सचमुच विदेश मंत्रालय के जो राजनयिक हैं उनको इतनी बुरी स्थिति में कभी पहले किसी सरकार ने नहीं डाला था। हमें याद आ रहा है कुछ दिन पहले, यह सिर्फ केवल अरब कंट्रीज की बात नहीं है और धार्मिक मसले केवल नहीं है, कुछ साल पहले नेपाल में भयानक भूकंप आया था। भारत के सियासतदानों ने, सरकार ने और टेलीविजन चैनलों ने ऐसा अजीब स्थिति पैदा कर दी नेपाल में, और इतना बुरा कवरेज था कि पूरे देश में नेपाल में भारतीय मीडिया के बारे में नारा लगाया जाने लगा कि भारतीय मीडिया गो बैक। क्यों सब ऐसा हुआ आप कहानी पढ़ सकते हैं, आपको हर जगह वो कहानी मिल जाएगी। तो दोस्तों, मेरा बिल्कुल आखिर में कहना है बहुत संक्षेप में कि अगर सचमुच भारत सरकार सीरियस है, हालांकि किया कराया सब सरकार में बैठे नेताओं का ही है क्योंकि उन्होंने ही ये संस्कृति की नींव डाली है, तो उन्हें टेलीविजन चैनलों, जो टीवी पुरम है, जो उनका ढोलक बजाता है, उनका मृदंग बजाता है, उन चैनलों के मालिकों को, संपादकों को बताए कि आप पत्रकारिता कम से कम थोड़ी बहुत पत्रकारिता करो भाई, बहुत हो गया। नफरत और झूठ और धर्म संप्रदाय पर आधारित जो डिबेट्स हैं उनका जो सिलसिला है टेलीविजन चैनलों पर खत्म किया जाए, ये सिलसिला बिल्कुल बंद होना चाहिए। आप रोजगार के बारे में, महंगाई के बारे में, विज्ञान के बारे में, हर तरह के विषयों पर बात करो, भूकंप के बारे में, बाढ़ के बारे में, गर्मी के बारे में, मानसून के बारे में, फसल के बारे में, लोगों की समस्याओं के बारे में बात करो, लेकिन ये मंदिर मस्जिद के मसले बंद करो। और दूसरी बात कि सत्ताधारी दल के जो शीर्ष नेता हैं स्वयं जिम्मेदारी निभाएं कि वो नफरत और विभेद पैदा करने वाले बयान बिल्कुल बंद कर देंगे।
माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ बुलडोजर का जो प्रतीक पूरे देश में स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, उस तरह की जो बयानबाजी है, उस तरह का जो सिलसिला है जो हर जगह दिखाई देता है, अभी कानपुर में मैंने देखा कि कानपुर में भी उसको स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बुलडोजर की जो कल्चर है उस पर पाबंदी लगे। और अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूं कि पार्टी के प्रवक्ता जो आपके बनाए जा रहे हैं, उनको जो ट्रेनिंग आपने दी है नफरत, विभेद और टकराव की, उस स्कूल को बंद कीजिए। आईटी सेल को और आपकी अपनी जो भी प्रशिक्षण जो माला आप चलाते हैं, उन पर विचार कीजिए कि किस तरह उनको संजीदा, समझदार और राष्ट्र को सचमुच प्रेम करने वाली भावना से कैसे उनको ओतप्रोत किया जाए। तो ये कुछ जरूरी बातें थी जिससे भारत की जो छवि है, जो सत्ताधारी दल के दो प्रवक्ताओं के कारण प्रभावित हुई है, वो फिर से ऐसी कोई घटना की पुनरावृत्ति न हो, इससे बचा जा सके। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।